नमस्कार दोस्तों, रियल फार्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। तो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो थोड़ी लेट है और मैं ज़्यादातर इसी टाइम वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सुबह मेरे पास काम रहता है। तो अब दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपके लिए जो जानकारी दूंगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी होगी आपके लिए, और साथ में दोस्तों आज के भाव के बारे में भी जानकारी करेंगे। अगर दोस्तों कुछ मंडियों की बात करें तो कुछ मंडियों में दोस्तों अभी क्या देखा जा रहा है कि कुछ मंडियों में तो थोड़ा सुधार दिख रहा है, लेकिन बाकी मंडियों में दोस्तों या तो पहले वाला ही रेट बना हुआ है या उसमें थोड़ी हल्की सी गिरावट ही दिख रही है। अब ये सभी जो कारण इस समय बने हुए हैं या परिस्थिति बने हुए हैं, इसका बस एक ही कारण है, ओनली फॉर आलू की मतलब निकासी ज्यादा होना, और यही एक फैक्टर नजर आ रहा है, या मंडियों में ज्यादा आवक होना, यही एक सीधा सीधा नजर आ रहा है। अब मैं बताऊंगा क्यों दोस्तों, क्योंकि अभी जो साउथ की मंडी की बात करें, साउथ की मंडियों में जो पहले की अपेक्षा सुधार देखा जा रहा है, अभी ऐसा तो नहीं है कि मतलब पहले से ज्यादा रेट बढ़ गए हों, लेकिन हाँ, अगर बीच में मतलब कोई आलू अगर 20 रुपए किलो बिक रहा है, अगर 18-19 रुपए किलो तक आ गया था, वो दोबारा से 20 ही पहुंच चुका है, लगभग ये कंडीशन बन चुकी है। इसका मुख्य कारण वहां पे भी दोस्तों यही देखा गया है, वहां पे बैलेंस कम बचना और माल की आवक जो होती है मंडियों में वो कम पहुंचना। अब ये सारी कुछ जानकारी दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे डिटेल में, और आपके लिए मैं एक आपकी बीती हुई एक कहानी सुनाऊंगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, और हमारे साथ वो दोस्तों बीती हुई है, हम लालच में कैसे फंसते हैं और हमारा माइंड है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में दोस्तों एक छोटी सी जानकारी है, इसको मैं आपके लिए पहले बता के जरूर चलूंगा, क्योंकि शायद आप कुछ लोग पीछे तक वीडियो देखें या ना देखें, फिर बाद में बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 2020 की कहानी के बारे में मैं बता रहा हूं कि 2020 में दोस्तों आलू जो मैंने अपने चिप्सों आलू बेचा था वो 850-850 रुपए बेचा था, लेकिन उस समय जो रेट था शुरुआत में लॉकडाउन भी चल रहा था कि 750 से या 700 से स्टार्ट होते हुए, जैसे हम 800 बेच रहे हैं तो 900 हो जाता था, 900 बेच रहे हैं तो 1100-1200 ऐसे करके लगभग 1700-1800 तक 3700-3700 पहुंच चुका था वहां 1700-1800 तक। अब दोस्तों कुछ महीने बाद होता क्या है कि बीच में एक ऐसी चीज निकल के आती है जिसकी वजह से दोस्तों आलू जो 1800-1700 बिक रहा था 3700-1700 वो दोबारा से 1400-1500 पे आ जाता है। अब जब वो आलू दोबारा से रिपीट करता है तो वहां पे दोस्तों हमारा एक माइंड ये कहता है, या काफी लोगों का ये कहना होता है कि भाई हम तो लुट गए, आलू काफी मतलब सस्ता हो गया। यही तो एक लालच है कि आलू 1700 पहुंचने के बाद अगर दोबारा 200 रुपए टूट के 1500 पे आया है ना, फिर भी आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आलू में आपको बहुत बड़ा धोखा हो गया या घाटा हो गया। रेट तो पहुंचा था, आप और ज्यादा लालच में बढ़े थे आगे, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये कोई रेट गिरा हुआ है इसलिए नहीं माना जाएगा कि रेट हमारे 800 से लेके जब पहुंच 1500 गया है तो आज भी 1500 बिक रहा है। वो एक चांस अलग था जो आपका आलू 1700 या 2000 के बीच में बिक रहा था, वो एक चांस था, लेकिन एक्चुअलिटी जो रेट है 1500 भी रेट इस अगर माइंड से सोचे तो कम नहीं होना चाहिए था हमारे लिए। अब दोस्तों ये तो लालच है, जब मान लो आलू 3000 बिक जाए और फिर भी हमारा 2500 आलू बिके यानी 2500 रुपए आलू बिके तो हमें ये लगेगा कि 500 रुपए का हमें घाटा है। दोस्तों ये जो लालच है थोड़ा हमारे लिए परेशानी करता है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप आलू को अगर बेचते, अगर 800 या 900 से लेके हुए, अगर 1800 भी कुछ बेच देते, बाद में 1500 हो जाता या फिर बाद में 1200 भी हो जाता तो हमारा एवरेज सही निकल के आता। यही स्ट्रेटेजी काम करती है जो इस साल ये हुआ था, तो इसमें भी काफी मेरे हिसाब से काफी लगभग 50% से ज्यादा हमारे किसान भाई अच्छा फायदा ले चुके हैं, बाकी कम फायदा लिया है, कुछ ने अभी फायदा भी नहीं ले पाया, कुछ ऐसे भी हैं, और मैंने भी दोस्तों काफी ज्यादा फायदा उठाया है। तो ये एक मतलब जो स्थिति है दोस्तों इसको जरा भांप लेना चाहिए, यानी इस स्थिति को देखते हुए हम काम करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं आज के माहौल के ऊपर। अभी देखिए जो साउथ की मंडियां हैं वहां पे आप देख रहे हो कि थोड़ा सा जो गिरावट हुई थी दोबारा से वहीं पर रेट पहुंच चुका है। ऐसे ही आप आगरा में कुछ जगह देख लीजिए, जो आलू 850 रुपए या 800 रुपए तक आ चुका था वो दोबारा से 900 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। अब दोस्तों बात रही हमारे ये शुगर फ्री आलू में, जैसे अलीगढ़ क्षेत्र के या इगला क्षेत्र के या सासनी के कुछ कोल्डों में जो शुगर फ्री आलू होता है या रखा जाता है, वहां पे दोस्तों अभी कंडीशन काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है। उसका क्या है कि शुगर फ्री की जहां मंडियां हैं उनमें अभी ऐसा ज्यादा सुधार नहीं देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और दोस्तों अगर रही बात आजादपुर की, तो मैं आजादपुर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आजादपुर में जो रेट शुरू से रहा है वही रेट हमारे कोल्ड पे रहा है और 10-20 रुपए ऊपर ही रहा है, तो हम आजादपुर को क्यों इसमें जोड़े। लेकिन दोस्तों इसलिए हमको ये जोड़ना पड़ेगा कि आजादपुर में आवक जब जा रही है तो काफी ज्यादा आलू तो निकल रहा है, इस मतलब दूसरे पहलू से हम देख सकते हैं। अब दोस्तों आजादपुर में भी आप देख रहे हो आज रेट काफी डाउन हो गया है, वहां पे भी ये शुगर फ्री आलू की जहां मंडियां वहां पे मैंने मतलब पता किया कि वहीं पे थोड़ी अभी उछाल ऐसा नहीं देखा जा रहा है जो तुम्हारी साउथ की मंडियां या थोड़े जूट के आलू में हल्का सा मतलब दिख रहा है कि कुछ माहौल 10-20 रुपए का बन सकता है, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अपने नजर हमारी कोल्ड पे जरूर रहनी चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि दोस्तों ये आलू गोल है। अब दोस्तों बात करेंगे आलू की परिस्थिति और माहौल के ऊपर, क्योंकि दोस्तों मैं कल मंडी गया था और मंडी में दोस्तों मैंने सब्जियां लेके आया था, तो सब्जियां का अगर रेट पूछोगे आप तो कद्दू तो 20-22 रुपए किलो है, लौकी भी 20-25 रुपए किलो है, तोरी की बात करें तो लगभग 30-40 रुपए किलो है, शिमला मिर्च की बात करें तो 40-60 रुपए किलो है, गोभी भी फूल गोभी जो होती है 40-60 रुपए किलो तक है, और पत्ता गोभी 30-32 रुपए किलो तक है। अगर दोस्तों बैगन की बात करें तो वो थोड़ा लगभग 20 रुपए तक बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। तो दोस्तों टमाटर भी काफी महंगा है। तो देखो सब्जी में कोई कमी नहीं है, काफी लोग बोल रहे हैं कि सब्जी में ये है वो है, सब्जी तो भाई देखो सही चल रही है, सब्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका कारण बस यही है मंडी में ज्यादा माल पहुंच रहा। अब इसका दोस्तों एक सीधा सिद्धांत यही है कि अगर निकासी में थोड़ी गिरावट आ जाए तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाएगा, लेकिन बस चिंता यही है कि वो निकासी पीछे आके परेशान ना करनी चाहिए, बस यही एक प्रॉब्लम है। हाँ, इसका बस एक सोल्यूशन ये है कि लगातार धीरे धीरे बेचते रहना चाहिए आलू को, यूं नहीं है कि एक साथ निकालें हम, और ये भी नहीं है कि पूरा आलू रोक लें, तो इस हिसाब से आलू को बेच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं आलू के भाव के बारे में। अब दोस्तों मैं बात करूंगा असम के गुवाहाटी की, जहां पे फरुखाबाद जो रैक गई थी वहां पहुंच चुकी है। अब रैक पहुंचने की वजह से वो ट्रकों में भी लोड हो चुकी है, वहां के जो डिब्बे थे वो खाली हो चुके हैं। कल की मैंने शायद जो खाली हुए थे मैंने वीडियो भी शायद अगर अपने ग्रुप पे डाल दिया है, अगर नहीं डाली तो मैं उसको डाल दूंगा आज। और दोस्तों हसन की जो खुदाई की वीडियो वो भी मैंने अपने ग्रुप में डाल रखी है आपके लिए, चाहो तो उसको भी आप देख सकते हो। और दोस्तों जो रैक लगी थी उसमें जो आलू की कंडीशन है मैंने देखा है, जब वहां पे लोडिंग वो कर रहे हैं ट्रकों में, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का आलू उन्होंने खोल के भी दिखाया है कि आलू दागी तो नहीं हुआ है, काफी अच्छा आलू पहुंचा दोस्तों वहां पे। अब दोस्तों इसी के हिसाब से अगर बात करें रेट की तो 20-22 रुपए किलो आलू बिक रहा है वहां पे, जो तुम्हारा अच्छी क्वालिटी का आलू है। अब दोस्तों बात करें बिहार के पटना की, तो वहां पे लगभग 37 बिक रहा है 18-19 रुपए किलो, और हॉलैंड बिक रहा 16-18 रुपए किलो, और ज्योति बिक रहा 17-18 रुपए किलो। अब दोस्तों बात करते हैं हम सीधे यहीं पे, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे तुम्हारे यूपी की कुछ मंडियों के बारे में। तो यूपी में अगर दोस्तों अलीगढ़ की बात करें तो लगभग 37 वगैरह 700-750 रुपए पैकेट, और चिप्सोना वगैरह 800-850 रुपए पैकेट, और सूर्य वगैरह दोस्तों 900-950 रुपए तक वीआईपी क्वालिटी का आलू बिक रहा है। बाराबंकी की बात करें तो लगभग 15-16 रुपए किलो जो अच्छी क्वालिटी का बिल्टी पे जो जा रहा आलू, और दोस्तों बाराबंकी की बात करें तो लगभग 15-16 रुपए किलो बिल्टी पे आलू जा रहा है, और लखनऊ की बात करें दोस्तों 15-16 रुपए किलो सिंदूरी बिक रहा है, और 16-18 रुपए किलो चिप्सोना बिक रहा है। अब गोरखपुर की बात करें दोस्तों तो गोरखपुर में हाईब्रिड आलू बिक रहा है 1600 रुपए क्विंटल, और 37 बिक रहा है दोस्तों 1700 रुपए क्विंटल, और गुल्ला बिक रहा है 1500 रुपए क्विंटल। अब दोस्तों सिंदूरी की बात करें तो वो बिक रहा है 1700 रुपए क्विंटल। अब दोस्तों बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर में दोस्तों हाईब्रिड बिक रहा है 15-1550 रुपए किलो, और तुम्हारा 37 बिक रहा है 16-1650 रुपए किलो, और गुल्ला की बात करें तो 12-13 रुपए किलो, और किदरी की बात करें तो 9-11 रुपए किलो वहां बिक रही है। अब दोस्तों बात करते हैं हम साउथ की, तो सबसे पहले हम पुणे मंडी की और बात कर लेते हैं, तो वहां पे 37 बिक रहा है 20-21 रुपए किलो, और गुल्ला बिक रहा है 17-18 रुपए किलो। अब दोस्तों चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में दोस्तों 21-23 रुपए किलो बिक रहा है, हसन की बात करें तो 22-23 रुपए किलो। अगर दोस्तों यहीं पे हम यशवंतपुर मंडी बेंगलोर की बात करें तो 37 बिक रहा है 18-22 रुपए किलो, वीआईपी 23 रुपए किलो भी है यहाँ पे, और 302 बिक रहा है 16-18 रुपए किलो, और चिप्सोना बिक रहा है 20-22 रुपए किलो, और गुजरात का एलआर बिक रहा है दोस्तों 20-24 रुपए किलो, और एलआर बिक रहा है एमपी का 20-22 रुपए किलो, और ज्योति बिक रहा है 18-20 रुपए किलो। अब दोस्तों यहीं पे अगर हम मेट्टुपालम मंडी की बात करें तमिलनाडु की, तो वहां हसन का बिक रहा है 800-1100 रुपए 45 किलो की तौल होती है, और गुजरात का बिक रहा है 800-1050 रुपए, और आगरा का बिक रहा है दोस्तों 800-1000 रुपए, और इंदौर का बिक रहा है 800-950 रुपए पैकेट 45 किलो की तौल है। दोस्तों यहीं पे मथुरा मंडी की बात करें तो लगभग 22-25 रुपए किलो बिक रहा है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात के बारे में, तो गुजरात में दोस्तों अहमदाबाद में बिक रहा 16-22 रुपए किलो पुखराज वीआईपी क्वालिटी का। अब दोस्तों गुजरात की बात करें तो लगभग 16-20 रुपए किलो, और बादशाह की बात करें तो दोस्तों 20-22 रुपए किलो, और चिप्सोना की बात करें 24-26 रुपए किलो गुजरात के अहमदाबाद में। और दोस्तों सूरत की बात करें गुजरात के तो 20-22 रुपए किलो। अब दोस्तों एमपी के इंदौर की बात करें तो लगभग 15-16 रुपए किलो ज्योति बिक रहा है वहां पे, और हाइब्रिड की बात करें तो लगभग 15-16 रुपए किलो, और चिप्सोना की बात करें 17-18 रुपए किलो। अब दोस्तों दिल्ली की बात करें तो वहां पे लगभग 140 गाड़ी है, जिसमें 53 गाड़ी बैलेंस है, और बैलेंस में थोड़ी सी हल्की सी गिरावट इसलिए दिख रही है क्योंकि बैलेंस के बावजूद भी अगले दिन का और पुराना जो स्टॉक था वो भी फट पर रखा रहता था, वो बिक नहीं पाता था, तो उसमें थोड़ी गिरावट देखी गई है। तो अब दोस्तों 37 रुपए की बात करें तो लगभग 750-800 रुपए वीआईपी, यहाँ पे 20-30 रुपए की आज फिर गिरावट है, और अगर दोस्तों इससे लो क्वालिटी की बात करें तो लगभग 700-750 रुपए पैकेट 37 की। अब दोस्तों चिप्सोना की बात करें 850 से लेकर 950 रुपए पैकेट, और सूर्या की बात करें दोस्तों अलीगढ़ ग्लास वाले की तो 950 से 1000 रुपए, और चड़ोसी वाले का 1000 से 1100 रुपए पैकेट।
तो दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो, जब तक आवक कम नहीं होगी मंडियों में बैलेंस कम नहीं होगा, जब तक आलू पे तेजी आने की कोई चांस नहीं है। हाँ, आवक कम हो जाती है मंडियों में या बैलेंस कम बचता है तो तेजी आ सकती है, कोई भी ऐसे भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यही देखना है कि ये मतलब डिमांड, अब देखिए डिमांड की बात करूं दोस्तों, इस पे मैं कल बात करूंगा आपको, डिमांड के ऊपर पूरी डिटेल में बात करूंगा आपके लिए, पीछे का बिल्कुल बैकग्राउंड दिखाऊंगा कि पहले की डिमांड के आधार पे अभी का आलू का माहौल आखिर क्या चल रहा है, ये मैं कल को बताऊंगा आपको। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो देखने के लिए आपका तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।